गुड मॉर्निंग सभी को। आज जो है सेल एवं बैटरी का तीसरा क्लास है और हम लोग जो इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे वोल्टिक सेल के बारे में पढ़े थे कि वोल्टिक सेल में उसके इलेक्ट्रोलाइट किसका प्रयोग करते हैं, उसमें एनोड और कैथोड किसका होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, ठीक है, और उसके टर्मिनल वोल्टेज क्या है। टर्मिनल वोल्टेज आप लोगों को लिखाई नहीं थे, टर्मिनल वोल्टेज उसका नोट कर लेंगे आप, 1.8 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.08 वोल्ट होता है, 1.08 इसके टर्मिनल वोल्टेज होता है। आज देखेंगे उसके केमिकल रिएक्शंस कि वोल्टिक सेल में क्या केमिकल रिएक्शन होता है और कैसे वो चार्ज का निर्माण करता है, ठीक ना। किसका पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है? 1.08 वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट था H2SO4, ठीक है। तो ये H2SO4 कैसे ये टूटता है? H2SO4 ये H+ आयन में टूट जाता है और ये SO4 माइनस आयन में टूट जाता है। यही इसका केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर, यही केमिकल रिएक्शन होता है जब H2SO4 जो है किसमें किसमें बदल जाता है, H+ आयन और SO4 क्या माइनस आयन में बदल जाता है। उसी प्रकार इसमें एक और रिएक्शन होता है कैथोड, कैथोड पर कैसा होता है, कैथोड किसका बना होता है? हम आपको बताए थे कि एनोड जिस पर प्लस आवेश और कैथोड जिस पर माइनस आवेश, तो कैथोड यानी जिस पर माइनस आवेश, किस पर? ZN, ठीक है, ZN पर बनता है। और ZN जो है पर क्या, इस पर क्या पावर होगा? ZN पर होगा +2, ठीक है, और ये SO4 माइनस के साथ जुड़ करके बना देगा ZnSO4। क्या बना देगा? ZnSO4 दूसरा एनोड है ना, एनोड पर क्या बनेगा? दो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के ये H2 बना देगा, ठीक है। तो ये इसका जो है केमिकल रिएक्शन है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये सिर्फ जानकारी की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको क्या करेंगे, फिर भी आप इसको नोट कर लेंगे कि जो वोल्टिक सेल में केमिकल रिएक्शन होता है वो H2SO4 टूट करके H+ और SO4 माइनस में क्या होता है? माइनस में बदल जाता है। गर्मी बहुत है, पंखा चलाएंगे तो आवाज ही नहीं आएगा। चलो देखते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं डेनियल सेल के बारे में। किसके सेल, कौन सेल के बारे में? आज हम लोग डेनियल सेल के बारे में हम लोग देखेंगे। डेनियल
डैनियल से इसका चित्र कैसा होता है, पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। हाँ तो देख रहे थे हम लोग ये जो बर्तन है, ये डैनियल सेल का जो बर्तन है ये किसका बना होता है, तांबे के बर्तन का बना हुआ होता है, कॉपर के बर्तन का, किसका, तांबे के बर्तन का बना हुआ रहता है। ये पूरा किसका बना हुआ रहता है, तांबे के बर्तन का रहता है, और बीच में जो है जिंक का एक रॉड होता है, ठीक है, किसका, जिंक का रॉड होता है। यहाँ क्रिस्टल कॉपर, ठीक है, ये दोनों साइड क्या रहता है, क्रिस्टल कॉपर रहता है, क्रिस्टल कॉपर, क्रिस्टल कॉपर मतलब कॉपर का बुरादा, कॉपर का क्या रहता है, कॉपर का बुरादा रहता है, ठीक है। और ये तांबे का बर्तन रहता है, इसमें जो घोल भरते हैं, यहां से यहां तक जो घोल रहता है, इसमें जो घोल भरा हुआ रहता है, कौन सा घोल भरा रहता है, यहां भरा रहता है CuSO4 का घोल, किसका घोल भरा रहता है, CuSO4 का घोल भरा रहता है, और बीच में, और बीच में जो भरा हुआ रहता है ये H2SO4 का घोल भरा रहता है, H2SO4 का घोल घोल भरा हुआ रहता है, ठीक है। ये जिंक पर जो है क्या है, प्लस आवेश बनता है, और कॉपर का बर्तन में ही, बर्तन में ही जो है क्या होता है, वो माइनस आवेश बनता है। जैसे आप साधारणतः घड़ी की बैटरी या टॉर्च की बैटरी में देखे होंगे, आप इस प्रकार से देखे होंगे, इस प्रकार से बैटरी रहता है, तो जब उसके कागज को आप उखाड़े होंगे देखेंगे ये एक बर्तन टाइप का रहता है, और ये जो है प्लस आवेश बनाता है, और इसका ये बर्तन जो है किसका, माइनस आवेश बनाता है, ये इसी प्रकार के, और यहाँ कार्बन का छड़ ये रहता है बीच में, सेम उसी प्रकार के डैनियल सेल है, ये कोई एक गोलाकार बर्तन रहता है जिसमें से जिंक का रॉड जो है बीच में रहता है, और पूरे बर्तन जो बना हुआ रहता है वो कॉपर का बना हुआ रहता है, और ये बीच में छिद्र युक्त है, ये क्या है, छिद्र युक्त बर्तन, छिद्र युक्त बर्तन मतलब ये जो घोल है और ये जो घोल है आपस में उस छिद्र के माध्यम से क्या हो सकता है, दोनों घुल सकता है, मिल सकता है, इस प्रकार से ये छिद्र रूपी बर्तन का जो है हम लोग जो है, हम लोग क्या, जो वैज्ञानिक है उसने जो है बनाया है। इसकी जो खोज हुई थी 1836 में डैनियल नामक वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में किया, डैनियल ने क्या था 1836 में, लिख रहे 1836 में डैनियल नामक वैज्ञानिक ने ये खोज किया, उन्होंने क्या किया, पूरे बर्तन को ही उन्होंने कॉपर का बर्तन ले लिया, ठीक है, उसी बर्तन में एक ऐसा सेपरेटर यूज किया, एक छिद्र युक्त जाली टाइप का, जैसे आप मान लीजिए किसी, आप देखते होंगे पेट्रोल उट्रोल या जो पंप सेट मशीन होता है उसमें हम लोग तेल भरते हैं तो वो छकनी टाइप का रहता है, बीच में उसमें तेल भरते हैं ताकि कोई चीज गर्दा उर्दा वो छान ले और तेल अंदर चला जाए, उसी प्रकार ये बीच में रहता है, ये छिद्र युक्त होता है, चलनी टाइप का होता है, ठीक है, ताकि ये जो घोल है H2SO4 और CuSO4 ये आपस में मिल सके। तो इसमें पूछा क्या जाएगा, सेम उसी प्रकार डैनियल सेल की खोज किसने की, डैनियल सेल की खोज किसने की, डैनियल नामक वैज्ञानिक,
डेनियल ने कब की, 1836 में। ठीक है, इसमें जो वोल्टामीटर यूज करते हैं यानी जो बर्तन वोल्टामीटर किसका प्रयोग करते हैं, वोल्टामीटर में हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार एनोड, एनोड किसका बना हुआ रहता है, एनोड जिस पर कौन, जिस पर प्लस आवेश बनता है, तो प्लस आवेश किस पर बना, ये कॉपर पर बना, तो हम लोग जो है इसको कॉपर पर प्लस कर देंगे। कैथोड, कैथोड जिस पर माइनस चार्ज बना, माइनस पर किस पर बना, जेडएल पर बना। ठीक है, और कैसा बर्तन, बर्तन इसमें कैसा यूज करते हैं, छिद्रयुक्त, छिद्रयुक्त बर्तन का प्रयोग। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट किसका, दो इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रयोग करते हैं, दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले कौन सा, CuSO4, CuSO4 एंड H2SO4। यही आपको डेनियल सेल और बोल्टिक सेल में अंतर पूछ सकता है। बोल्टिक सेल में क्या, एक बर्तन यूज करते थे जो छिद्र युक्त नहीं होता था, उसमें एनोड और कैथोड, जेड एनोड कॉपर का करते थे, लेकिन वो उल्टा था, उसमें जेड एन क्या था, उसमें जेड एन क्या था, दोनों वही थे, जेड एन भी उसमें जो है एनोड था और इसमें भी एनोड। ठीक है, अब क्या इलेक्ट्रोलाइट उसमें सिर्फ H2SO4 का प्रयोग करते थे, इसमें क्या CuSO4 और H2SO4 दोनों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका टर्मिनल वोल्ट कितना होता है, टर्मिनल जो वोल्ट होता है इसका भी 1.08 वोल्ट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसी प्रकार से सारा चीज आपको नोट करना है। जब आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो हम सारा कॉपी आप लोगों का चेक करेंगे कि आप लोग सही सही नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए। ठीक है, जल्दी से इसको आप जो है नोट कीजिए। चलिए, इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग कहां करते हैं, प्रयोग करते हैं स्थिर वोल्टेज के लिए, स्थिर वोल्टेज के लिए। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसमें रिएक्शन कैसे होता है, सेम रिएक्शन वैसे ही होता है जैसे उसमें होता था, H2SO4 इसमें टूटेगा। चलिए, इतना तो समझ में आया कि नहीं आया, इसे एक बार आप सुन लीजिए। डेनियल सेल क्या है, डेनियल सेल वोल्टिक सेल के आधार पर ही, उसको देख करके ही डेनियल नामक वैज्ञानिक ने उसी के आधार पर एक नया बैटरी का निर्माण किया 1836 में। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बर्तन लिया, जो वो बर्तन था वो कॉपर का ही बर्तन बना हुआ था, उन्होंने उस बर्तन को ही कैथोड बना दिया और जिंक का रॉड एक बीच में डाला, जिसको उन्होंने एनोड के रूप में लिया, एनोड बनाया, और वो जो बर्तन है बीच में छिद्र युक्त बर्तन का प्रयोग किया, जिसमें से एक तरफ CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट और दूसरी तरफ H2SO4 का घोल को डाला गया। ठीक है, और इसी घोल के मिलने से, इसी घोल के रिएक्शन से प्लस आवेश और माइनस आवेश का निर्माण होता है। प्लस आवेश को हम लोग जो है कैटायन कहते हैं और माइनस को एनायन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है।
यानी कि जो कैथोड पर बनता है उसको एनायन बोलते हैं और जो एनोड पर बनता है उसको कैटायन के नाम से जानते हैं। केमिकल रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। इसमें भी केमिकल रिएक्शन वैसे ही होता है जैसे हम लोग बॉल्टिक सेल में पढ़े केमिकल। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले H2SO4 ये टूटेगा H+ आयन में प्लस SO4 ये माइनस आवेश में, ठीक है। अब उसको जो है फिर CuSO4 के साथ वो अब कैथोड पर, कैथोड पर कैसा रिएक्शन होगा। कैथोड किसका है, कैथोड है ZN का। फिर ZN इसमें होता है प्लस टू आवेश और ये SO4 माइनस आवेश, ये इससे मिलके ZnSO4 बना देगा, ठीक है। एनोड पर क्या बनेगा, एनोड पर जो है एनोड क्या था, कॉपर का था, कॉपर का घोल है तो CuSO4 इसके साथ ये H+ आयन इस पर क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, ठीक है। यानी H2 इसको हम लोग H2 भी लिख सकते हैं, H2 से अभिक्रिया करेगा और वो बना देगा H2SO4+Cu, ठीक है। H2SO4 बना देगा और कॉपर बना देगा, यही क्या है, यही इसका रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सब चीज आप जो है नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे। क्या क्या ध्यान रखेंगे, आप क्या क्या सीखे आज, आज आपने सीखा कि डेनियल सेल और वोल्टिक सेल में क्या अंतर है, ये बताया नहीं फिर भी आप सीखे, दोनों में आप कंपेयर करेंगे उसका अंतर लिखेंगे, एक तरफ डेनियल सेल लिखेंगे और एक तरफ वोल्टिक सेल लिखेंगे, उसकी खोज किसने की, डेनियल की और वोल्टिक की किसने की, उसमें कितना वोल्ट, इसमें कितना वोल्ट, इसमें कैथोड कौन, इसमें एनोड कौन, इसमें इलेक्ट्रोलाइट किसका, इसमें इलेक्ट्रोलाइट किसका, ठीक है, उसमें बर्तन किसका, इसमें बर्तन किसका, ये सब चीज़ आप अंतर करके खुद ब खुद लिख लेंगे। इसमें एनोड पर कौन सा अभिक्रिया होगा, वोल्टिक सेल में कौन होगा, मैंने इसमें कौन होगा, दोनों को आप कंपेयर करके उसको जो है आप कॉपी में नोट करेंगे और दिन में कम से कम एक बार जरूर देखें, ठीक है। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, लेक्लांसी सेल से पढ़ना शुरू करेंगे। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।